मंडलायुक्त नार्लिकर की अध्यक्षता में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक प्राणी उद्यान केंद्र के प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में मंडलायुक्त नार्लिकर ने बताया कि प्राणी उद्यान केंद्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। बर्ड फ्लू की वजह से कुछ पशु पक्षियों को जनपद में लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार जब तक बर्ड फ्लू रहेगा तब तक उन्हें लाया नहीं जा सकता। मंडलायुक्त ने कहा कि प्राणी उद्यान केंद्र का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा और पूरी तरह जनता को समर्पित किया जाएगा, जिससे जनता चिड़ियाघर का लुत्फ उठा सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह, SP CT सोनम कुमार, ADM CT राकेश कुमार श्रीवास्तव सहित प्राणी उद्यान केंद्र के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत मालिकर ने कहा, बटरफ्लाई वाले में प्रदेश में सक्सेसफुली कहाँ चल रहा है, चल रहा है क्या ये बार कहाँ सक्सेसफुली चल रहा है? सब जगह में ओपन है सर, बांधवगढ़ में, यूपी में लखनऊ में ऐसा नहीं, ओपन है। बर्ड्स के लिए भी वैसे ही केज बन रहा है सर, यहाँ का बर्फ यूनिवर्सिटी से थोड़ा जी और मुलाकात हुई थी कहा सीनियर थे, उन्हीं ने डिजाइनिंग किया था, उन्होंने तो बुला के दिखा दें कैसे डिजाइनिंग किया, कैसे या वो किसी को भेज दें दिल्ली से आते हैं। एक बार बात तो मेरा भी एक बार बात सर से भी मैंने बात कराई, खुद भी मैंने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि पटना में जो प्राणी उद्यान है गोरखपुर का, इसको शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में लोकार्पित किया जाना है। इसमें कुछ विलंब इसलिए हुआ है क्योंकि जैसा आपको पता है बर्ड फ्लू की वजह से सारी बर्ड्स नहीं आ सकती हैं, उसमें MOEF मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट के जो निर्देश हैं, वाइल्ड लाइफ के जो निर्देश हैं, उनका पालन करना पड़ता है। सारा कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है आपने जैसा कि देखा है, और इसको हम शीघ्र ही लोकार्पित कराने का प्रयास करेंगे।